हेलो एवरीवन, वेलकम बैक व्यूवर्स। कैसे हो आप सब लोग? गाइस, आज मैं आपके लिए एक और न्यू रीडिंग लेके आई हूँ। व्यूवर्स, देखने वाले कि राइट नाउ आपके पर्सन के मन में आपको लेके क्या कुछ है, आज शाम वो क्या सोच रहे थे आपको लेके, चलिए देख लेते हैं। रीडिंग जनरल रीडिंग है व्यूवर्स, कलेक्टिव रीडिंग है, तो जितना भी आपसे रेजोनेट हो उसे क्लेम करें, जो आपसे रेजोनेट ना हो उसे जाने दीजिएगा, ठीक है व्यूवर्स। तो रीडिंग अगर आपसे रेजोनेट होती है तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। तो चलिए व्यूवर्स, देखते हैं कि आपके पर्सन के मन में आपको लेके क्या है। ओके, सो वी हैव सेवन ऑफ सोर्ड, सिक्स ऑफ सोर्ड, टू ऑफ सोर्ड, क्वीन ऑफ वैंड्स। Queen of Cups, Eight of Coin, we have King of Cups and the Three of Swords की एनर्जी है। बॉटम से हमारे पास Empress and Justice की एनर्जी निकल के आती है। ऐसा नज़र आता है व्यूअर्स कि आप जिस पर्सन से डील कर रहे हो वो कहीं ना कहीं आपके बारे में बहुत ज़्यादा सोचते हैं, लेकिन मतलब थिंकिंग तो बहुत ज़्यादा रखते हैं आप, जो आपके बारे में सोचते रहते हैं, मतलब ये क्या हुआ, कैसे हुआ, क्या करना चाहिए था, क्या नहीं करना चाहिए था इस रिलेशनशिप में, क्योंकि ऑलरेडी अगर देखा जाए बहुत कुछ गलत हो चुका है, ठीक है। बहुत कुछ ऐसा है जिसमें सीधे सीधे धोखा, डिसीट की एनर्जी मिलती है, हार्ट ब्रोकन एनर्जी मिलती है, विश्वास को तोड़ा गया है, रिश्ते की बुनियाद यहाँ पर हिली हुई नज़र आती है, ठीक है। रिलेशनशिप से कहीं ना कहीं एक भरोसा सा उठता हुआ यहाँ पे नज़र आता है, विश्वास करने का इस पर्सन के ऊपर हो सकता है आपका मन ना करता हो, लेकिन ये पर्सन व्यूअर्स फिर भी आपको लेके मुझे यहाँ पे थिंकिंग में नज़र आते हैं। आपका एक ऐसा यहाँ पे व्यक्तित्व इस पर्सन के ऊपर छाया हुआ नज़र आता है जिसे वो चाह के भी अपने मन से निकाल नहीं सकते, आप उनके मन में हो। वो इस रिलेशनशिप में अगर व्यूअर्स देखा जाए तो यस डेफिनेटली अभी भी इतना सब कुछ होने के बाद में भी वो नहीं चाहते कि आप इस रिलेशनशिप से निकल जाओ या फिर आप उनको छोड़ दो। उनका व्यूअर्स ये मानना है आपके पर्सन का कि भले ही आप दोनों के बीच में नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन हो और सिचुएशन भले ही इन्होंने ही क्यों ना ही क्रिएट करी हो, बातचीत नहीं कर रहे हो, ऑन ऑफ सिचुएशन हो या जो भी सिचुएशन हो, लेकिन फिर भी व्यूअर्स ये जो पर्सन है आपके वो इस रिलेशनशिप में रहना चाहते हैं। इनकी डीप फीलिंग भी यही नज़र आती है कि वो आपको लेके आज भी इमोशनल है, आप उनके मन से आज भी नहीं निकलते हो, चाहे भले ही आपको पर्सन मतलब छोड़ के जा चुके हों, लेकिन ऐसा नज़र आता है कि ये जितना आपको भुलाने की कोशिश करते हैं ये उतना ही कहीं ना कहीं खुद को आपके नज़दीक पाते हैं, ठीक है। इनको व्यूअर्स ऐसा लगता है कि आप एक ऐसे पर्सन हो क्योंकि आपने इनको बहुत ही ट्रू लव किया है, आपने अपनी तरफ से कोई कमी नहीं छोड़ी है और आपने आफ्टर दिस सेपरेशन, आफ्टर दिस डिसीट, फिर भी आप इस पर्सन के कहीं ना कहीं इसको चेज करते रहे, इसके पीछे रहे, तो उनको यकीन सा है व्यूअर्स कि आप इन्हें कभी नहीं छोड़ेंगे, आप इनके साथ में रहेंगे, और इसीलिए व्यूअर्स इस पर्सन का जो कॉन्फिडेंस लेवल है वो कहीं ना कहीं हाई नज़र आता है। इस पर्सन को भरोसा है क्योंकि वो आपको पाना चाहते हैं, आपके साथ में रहना चाहते हैं, कनेक्टेड भी रहना चाहते हैं, इसीलिए उनको लगता है कि आज भी आप उनके साथ में उतनी ही शिद्दत के साथ में जुड़े रहोगे जितना कहीं ना कहीं पहले जुड़े हुए थे। क्योंकि आपने अगर व्यूअर्स देखा जाए इनको, आप एक एम्प्रेस की एनर्जी में हो यहाँ पर, जो कि ये दिखाता है कि आपने इनको हमेशा से बहुत ही स्पेशल फील कराया है, इनकी छोटी छोटी ज़रूरतों का आपने ध्यान रखा है, जब भी आप इनके साथ रहे हो इनको हमेशा से आपने मतलब कुछ नहीं करने दिया, तुम रहने दो मैं कर लूँगी या तुम रहने दो मैं कर लूँगा, मतलब कहते ना कि जान से ज़्यादा किसी को चाहना वो आपने इस पर्सन को फील कराया है। आप किसी भी काम को करने से पीछे नहीं हटे हो, जो इस पर्सन ने कहा आपने उसको करके दिखाया है। इनको व्यूअर्स इस बात का भी अंदाज़ा है कि आपके अंदर इनके लिए कितनी तड़प है, कितना प्यार है, लेकिन फिर भी इस रिलेशनशिप से वो दूर भागते नज़र आते हैं। क्यों? क्योंकि बात यहाँ पे जब भी कमिटमेंट की आती है, जब भी स्टैंड लेने की आती है, जब भी आपके साथ में जुड़ने की आती है, इसके लिए व्यूअर्स ये जो पर्सन है मुझे यहाँ पर तैयार नहीं नज़र आते हैं। अगर व्यूअर्स देखा जाए जब इस वक्त में इस रिश्ते के अंदर बहुत सारी कॉम्प्लिकेशंस हैं, इनको इस रिश्ते में दूरी बनाना ही ज़्यादा अच्छा लगता है, बेहतर लगता है, इनको लगता है कि फ़िलहाल इस सिचुएशन को अवॉइड जितना किया जाए उतना ही ज़्यादा अच्छा है, इस सिचुएशन को, इस प्रॉब्लम को इग्नोर करके ही सॉल्व किया जा सकता है, ये इनकी थिंकिंग नज़र आती है। जैसे कि जो इस कनेक्शन में दिक्कतें आ रही हैं, जो इस कनेक्शन में ये प्रॉब्लम को सॉर्ट आउट नहीं कर पा रहे हैं, अवॉइड करना इनका एक पैटर्न सा बना हुआ नज़र आता है, तो ये चाहते हैं कि अगर थोड़े टाइम वो आपसे दूर रहेंगे या फिर आपको अवॉइड करेंगे या फिर आपसे कहीं ना कहीं दूरियाँ बनाएंगे तो आप इस मैटर में कहीं ना कहीं ढीले पड़ जाओगे या फिर इस मैटर को कहीं ना कहीं आप भी उतना ज़्यादा सीरियसली नहीं लोगे जितना सीरियसली आप इसको लेके चल रहे हो, ठीक है। तो आप दोनों के बीच में व्यूअर्स प्रॉब्लम मुझे बहुत ही स्ट्रॉन्ग नज़र आ रही है, आप इस प्रॉब्लम को भूल नहीं पा रहे
हो, इस प्रॉब्लम में जो कड़वाहट है, इस रिश्ते में जो कड़वाहट आ गई है, आप उसको निकाल नहीं पा रहे हो। ठीक है, तो व्यूअर सबसे पहले मुझे यही नज़र आता है कि आप दोनों के बीच की जो प्रॉब्लम है वो भूल के भी, मतलब भूली नहीं जा सकती, कड़वाहट खुद से खुद जो हो रही है वो कम नहीं हो पा रही है। लेकिन इस पर्सन का व्यूअर्स मानना ही यही है कि आपके मन में इस समय बहुत ज़्यादा कड़वाहट है और आप इस समय कहीं ना कहीं मतलब उस कड़वाहट को दिखा रहे हो, जस्टिस की एनर्जी में आ गई हो, यानी कि सच सच बताओ ऐसा क्यों किया। ठीक है, या फिर स्ट्रांग डिसीजन लो, अगर आप ऑन ऑफ करोगे तो मैं नहीं रहूँगी या मैं नहीं रहूँगा, आप चाहते हो व्यूअर्स कि कहीं ना कहीं बहुत ही थोड़े टाइम के अंदर इस रिलेशनशिप को जितनी जल्दी हो सके, इस प्रॉब्लम में जो भी है सॉर्ट आउट हो जाए। ठीक है, आप चाहते इस रिलेशनशिप में पहले की तरह खूबसूरती आ जाए, आप इसको इंजॉय कर सको, आप इसमें खुश रह सको, लेकिन वो चीज़ें व्यूअर्स यहाँ पर नहीं नज़र आ रही। आपके पर्सन का मानना ही यही है कि अगर आप इन सारी चीज़ों को अवॉइड करो, इनके साथ में इंजॉय करो, खुश रहो और इन सारी चीज़ों को डिस्कस ना करो, तो ये आपके साथ में बहुत ईजिली जुड़ सकते हैं। अगर देखा जाए व्यूअर्स यहाँ पे, तो आपका ये ओल्डर वर्जन, जो आपका पहले वाला वर्जन था, अभी जस्टिस से जस्ट पहले वाला जो एम्प्रेस को रिप्रेजेंट करता है, ये उस वर्जन को बहुत ज़्यादा मिस करते हैं। ये चाहते हैं कि आपके अंदर फिर से बदलाव आ जाए, या फिर कहीं ना कहीं आप फिर से अपने आप को वैसी वाली एनर्जी में लेके आ जाओ, ये उस एनर्जी में वापस से आने का आपका वेट कर रहे हैं। ये रियूनियन नहीं कर पा रहे हैं, जस्ट एक कैजुअल तरीके से बात करना चाहते हैं, ये एक फ्रेश स्टार्ट तो चाहते हैं व्यूअर्स आपके पर्सन आपके साथ में, पुरानी बातों पर ये डिस्कशन नहीं करना चाहते हैं, ऐसी एनर्जी गाइज यहाँ पर नज़र आती है। अभी ये अवॉइड कर रहे हैं व्यूअर्स किसी भी तरह का कमिटमेंट। ठीक है, अभी इनका अगर देखा जाए आप दोनों के बीच में अंडरस्टैंडिंग जो लेवल है वो यहाँ पे ज़ीरो नज़र आ रहा है। काफ़ी ज़्यादा जो सिचुएशन है वो काफ़ी ज़्यादा वर्स्ट और वर्स्ट होती हुई नज़र आ रही है। अंडरस्टैंडिंग लेवल यहाँ पे बिल्कुल ज़ीरो हो चुका है, ना तो आप उनको समझ पा रहे हो, ना ही आपके पर्सन आपको समझ पा रहे हैं। तो ये सिचुएशन व्यूअर्स मुझे यहाँ पे नज़र आ रही है इनका, यानी कि इनका अवॉइड करना आपको और ज़्यादा हर्ट कर रहा है, और इनको यही सही लगता है कि जितना ज़्यादा वो अवॉइड करें उतना ही ज़्यादा बेहतर है, क्योंकि इनके पास में कहीं ना कहीं कोई आंसर नहीं है आपके पर्सन के पास में इस आपके सारे सवालों का। तो सवाल बहुत सारे हैं, जवाब ज़ीरो हैं, और इनको समझ में नहीं आता ये आपको कैसे समझाएं, क्योंकि आप यहाँ पे समझने के मूड में बिल्कुल भी नहीं हो। आप तो जस्ट बस सोच मतलब सुनना चाहते हो। ये जो जस्टिस है ना व्यूअर्स यहाँ पे, ये जस्टिस व्यूअर्स यहाँ पे यही दिखा रहा है कि मैंने तुम्हारे लिए क्या कुछ नहीं किया, मैंने तुम्हारे लिए सब कुछ किया, तुम्हारी हर इच्छा को मैंने पूरा किया, उसको सर आँखों पर रखा, तुम्हारे लिए मैंने दिलो जान से हर वो चीज़ करी है जो तुम्हें खुश कर सके, लेकिन तब भी तुमने मुझे मतलब मुझे क्यों पीछे छोड़ दिया, क्यों मेरा विश्वास तोड़ दिया। तो आप इस जस्टिस को व्यूअर्स यहाँ पे मुझे क्लेम करते हुए नज़र आते हो, और व्यूअर्स ये जो एनर्जी गाइस ये इसी वजह से है क्योंकि आपके पर्सन आपको इस समय काफ़ी स्ट्रांग देख रहे हैं, यानी कि एक कमज़ोर पर्सन की तरह आपको नहीं देख रहे हैं। जो पहले आप इनके सामने कमज़ोर रहते थे, इनकी हाँ में हाँ करते थे, जैसा ये कहते थे वैसा करते थे, अभी आप वैसा नहीं कर रहे हो। आप यहाँ पर आप बहुत ही कहते ना, अभी आपके अंदर इमोशंस नहीं है, आपके अंदर सिर्फ एक मेंटल एबिलिटी नज़र आती है आपके पर्सन को, जो यही दिखाती है कि भाई दिमाग से चल रहा है इंसान, और जो जिसका दिमाग में हज़ारों सवाल हों, जिसके दिमाग में सिर्फ एक बात बैठ गई हो कि ये धोखेबाज है, या फिर इसने मुझे हर्ट किया है, तकलीफ़ दी है, मैंने इसके लिए क्या कुछ नहीं किया, तो ये उन सवालों के जवाब नहीं दे सकते व्यूअर्स आपको। ठीक है, तो ये फ़िलहाल आपके पर्सन का व्यूअर्स मुझे यहाँ पर पॉइंट ऑफ व्यू नज़र आता है आपको लेके, और देखते हैं आपके पर्सन के मन में आपको लेके क्या कुछ है। प्लीज़ यूनिवर्स एंजल्स प्लीज़ बताएं ये क्या चाहते हैं मेरे व्यूअर्स के पार्टनर। ओके, सो वी हैव नाइन ऑफ सोर्ड, एट ऑफ पेंटिकल, एट ऑफ सोर्ड एंड द व्यूअर्स जजमेंट। ऐसा नज़र आता है व्यूअर्स कि आप इस पर्सन को एक जो जैसे कि आप इस पर्सन को व्यूअर्स ऐसा देखना चाहते हो, उस पर्सन को ऐसा लगता है कि जो पर्सन ने मेरे साथ किया है कहीं ना कहीं ये पर्सन भी उन चीज़ों को भुगते। ठीक है, ऐसा फीलिंग इसको पर्सन को आती है व्यूअर्स, उनको ऐसा भी लगता है कि कहीं ना कहीं इनकी लाइफ में अगर कुछ नेगेटिव हो रहा है, क्योंकि मैं देख रही हूँ इनके ये चाहे जितने भी एफर्ट्स लगा लें ये अपनी सिचुएशन को बेहतर नहीं कर पा रहे हैं। ठीक है, अगर ये कुछ करने की कोशिश भी करते हैं तो चीज़ें वो और ज़्यादा ख़राब हो जाती है, और वो कहीं ना कहीं वो अपने मतलब कहते हैं ना, अगर रिज़ल्ट नहीं मिल रहा होता है तो काम छोड़ देना, बीच में हार जाना छोड़ देना और उसको फिर इग्नोर कर देना, कुछ ऐसी सिचुएशन व्यूअर्स इस पर्सन की हो जाती है। तो मैं ऐसे देख रही हूँ व्यूअर्स कि आपके पर्सन को कहीं ना कहीं इनको ये भी समझ में आ रहा है कि ये जो भी करते हैं वो सब वेस्ट जाता है, और इनकी लाइफ में ये जितनी भी मेहनत कर लें, जितने भी हार्डवर्क कर लें या जो भी कर लें, वो अपनी सिचुएशन को बेहतर नहीं बना पा रहे हैं। यहाँ पर व्यूअर्स इस पर्सन की एनर्जी की अगर हम बात करें
तो वो ऐसी नज़र आती है कि जस्ट काइंड ऑफ ट्रैप इन फियर. ये फियरफुल एनर्जी है, बहुत कुछ नेगेटिव हो जाना, कुछ ऐसा हो जाएगा, कहीं गलत ना हो जाए, बहुत कुछ जैसे कि अनवांटेड से थॉट आने शुरू हो जाते हैं इस पर्सन को. ये रिवर्स आपके जो पर्सन है, मुझे ऐसा नज़र आता है कि कहीं ना कहीं वो चाहते हैं कि आप इनको इस तरह से देखना बंद करें, ठीक है, आप इनके तरफ इनको इस तरह से देखना बिल्कुल छोड़ दें. क्योंकि जितना ज़्यादा आप इस पर्सन को गिल्टी मानते हैं, इस पर्सन को मतलब बहुत ही नेगेटिव वे में देखते हैं, तो इस पर्सन को खुद का चेहरा देखना ही अच्छा नहीं लगता है. इसीलिए वो आपको कहीं ना कहीं अवॉइड करते हुए नज़र आते हैं. वो ये चाहते हैं कि आप इनको इस तरह से देखना बिल्कुल बंद कर दें, क्योंकि इनको ऐसा भी लगने लगा है कि कहीं ना कहीं आपकी बहुत ज़्यादा इनके ऊपर मतलब जो इनको लेके थिंकिंग से बन गई है, ये उसको फेस नहीं कर सकते हैं, ठीक है. ट्रैप है व्यूअर्स अपनी लाइफ के अंदर. ऐसा भी फील करते हैं कि मैं क्या करूँ ऐसा जिससे इस सिचुएशन से मैं ओवरकम कर सकूँ, ऐसा मैं क्या करूँ जिससे मेरी ज़िंदगी एक बेहतर ज़िंदगी हो सके और मुझे इन परेशानियों से मुझे मुक्ति मिले, ठीक है. तो समवेयर व्यूअर्स इनके जो भी अपनी लाइफ के अंदर अभी ये लाइफ को जी रहे हैं, जिस तरह से भी अपनी लाइफ को ये फेस कर रहे हैं, वो भी लाइफ को ज़्यादा अच्छी नहीं नज़र आती है. और आपको लेके व्यूअर्स मैं यहाँ पे यही देखती हूँ कि ये जो पर्सन है आपको लेके भी एक तरह से न्यू फ्रेश स्टार्ट तो चाहते हैं, पर वो फ्रेश स्टार्ट व्यूअर्स किस बेस पे हो, ये बेस यहाँ पे तैयार नहीं नज़र आता है, ठीक है. क्योंकि आप यहाँ पे जस्टिस चाहते हैं और वो जस्टिस आपको दे नहीं सकते हैं. वो विश्वास आपका कैसे लौटाएंगे जो कहीं ना कहीं ये पर्सन खुद आपका तोड़ चुके हैं, ठीक है. तो यही व्यूअर्स यहाँ पे मजबूरी इस पर्सन की नज़र आती है कि वो आपके विश्वास को सब कुछ कर सकते हैं पर किसी का विश्वास यहाँ पे ये पर्सन नहीं वापस से पा सकते, ठीक है. तो यह है व्यूअर्स रीडिंग आपके लिए, आपके पर्सन की, जो यही दिखाती है दे नीड सम टाइम. मे बी ये अपने आप को हील करना चाहते हैं पहले, खुद अपने आप को प्रिपेयर करना चाहते हैं सो दैट ये आपके सामने आने की एटलीस्ट हिम्मत जुटा सके. इनके अंदर आपके सामने आने तक की हिम्मत नहीं है, ठीक है. क्योंकि जजमेंट एक तरह से होता, भाई आप किसी को अपना डिसीजन सुना रहे हो, क्या डिसीजन लेना है, क्या मेरे साथ जुड़ना है या नहीं जुड़ना है, क्या करना है, ठीक है. तो डिसीजन तो ये ले नहीं पा रहे हैं आपको लेके, और इनको ये लगता है कि कहीं ना कहीं आप ही अपना डिसीजन बदल लो तो ज़्यादा अच्छा है, या फिर आप अपने मन में जो इनको लेके फीलिंग लेके चल रहे हो उसको अगर आप चेंज कर लो तो ज़्यादा अच्छा रहेगा, ठीक है. मे बी आफ्टर सम टाइम ये सिचुएशन जो इतनी इस समय टफ चल रही है वो कुछ हद तक मे बी नॉर्मल हो जाए तो ये बात करें आपसे. लेकिन आप बात करना चाहते वो एनर्जी गाइज नज़र आती है, लेकिन कैसे कहाँ से शुरुआत करें वो इनको नहीं समझ में आता. क्योंकि जब भी आपसे आप दोनों में बात होती होगी, जब भी कभी कम्युनिकेट करते होंगे तो वही इशू सामने फिर से आता होगा, और ये फिर उससे मतलब चिड़के जैसे होता है ना, फ्रस्ट्रेटेड होके ये पीछे छुड़ा के भागते होंगे. तो ये है व्यूअर्स रीडिंग आपके पर्सन की. अगर आपसे ये सिचुएशन रेजोनेट हुई हो तो ये रीडिंग आपकी है, और रीडिंग अगर आपसे रेजोनेट हुई है तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना चैनल को बिल्कुल ना भूलें. ओके व्यूअर्स, तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग में. टिल देन टेक केयर ऑफ योरसेल्फ, गॉड ब्लेस यू, थैंक यू वॉचिंग गाइस, बाय बाय.